करके भी बताऊंगी कि कैसा है जिंदगी। तो अगर बाय बाय गाइस, आई लव यू। क्योंकि जिन लोगों ने मेरा शॉर्ट नाउ Shares, welcome back to another vlog. This is Anushka and obviously you are watching Anushka Fashion Vlog with another Nykaa Protect Series episode. So आज का episode बहुत interesting रहने वाला है और आप लोग पूरा देख के जाना क्योंकि कुछ products मैंने अपनी skin care routine में add on किए हैं। So मैंने सोचा आप लोगों को reveal किया जाए। मुझे recent अभी Nykaa से product receive हुआ है, so just मैं आप लोगों को भी show करूँगी कि इसमें क्या-क्या मसाला है और क्या-क्या इसमें मैंने मंगाया था जो मुझे रिसीव हुआ है। सो देखते हैं इसमें क्या क्या है और मैंने क्या क्या अपनी स्किन केयर रूटीन में एड ऑन किया है जो मैंने आप लोगों को भी दिखाना है। सो इसको ओपन करते हैं, इस पिटारे को ओपन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। सो लेट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो और हाँ, पूरी देख के जाना। अगर अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और शेयर जरूर करना जिनको नीड हो इन सब चीज़ों की, उनको प्लीज शेयर करना। देखते हैं इसमें क्या निकलते हैं, देखते हैं क्या निकलता है इसमें। तो पहले तो कूड़ा निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। देन हमारा बिल निकला है, वो भी बहुत ही अलग ही कंडीशंस में निकला है भाई। किसी ने ऐसे डाल ही दिया कि चौड़ ले जाओ यार। बहुत ही गंदी कंडीशंस में हमारा बिल निकला है। और पहले निकला था हमारे लिए कूड़ा जो कि हमारे डस्टबिन में जाएगा। देन निकलेंगे हमारे प्रोडक्ट्स की कौन कौन से अच्छे से प्रोडक्ट्स हैं हमारे। ओके, पहले मैं बहुत ही मतलब दिख गया यार, मेरे क्या ही है यार, जस्ट तुरंत दिखा दो, थोड़ा सा सस्पेंस बनाना पड़ता है यार। इट्स ओके, दिख गया तो दिख गया बट अभी सस्पेंस बाकी है। टैन ये क्या है हमारा सनस्क्रीन है, डॉट एंड की का स्किन केयर ब्लूबेरी हाइड्रेटेड बेरीज रिपेयर सनस्क्रीन लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर 50 SPF PA++++ बोर्ड स्पेक्ट्रम हाइड्रेशन प्लस 5 फॉर ऑल स्किन टाइप। ऑलवेज हमेशा ही लिखा होता है सब में ही 50 grams का ये पैकेज है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। ओके, और इसका प्राइस है 445 445। और मुझे जो कि Nykaa पे 60% सेल चल रही थी, मैं जानते हो आप लोग मैं हमेशा सेल में ही ऑर्डर करती हूँ, तो Nykaa पे 60% सेल चल रहा था तब मैंने इसको ऑर्डर किया था। मुझे अभी रिसेंट नहीं याद है कि ये मैंने कितने का मंगाया था क्योंकि इसमें और भी सारे प्रोडक्ट्स हैं। सो मुझे रिसेंट मतलब प्रॉपर रेट इसका नहीं पता मुझे कितने का पड़ा था, बट इसका ओरिजिनल लास्ट वीडियोस देखे वो तो जानते ही। मैं इस टाइम प्रॉपरली डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, फेस वॉश हो या फिर मॉइस्चराइजर हो, सीरम तो नहीं लेकिन मॉइस्चराइजर और फेस वॉश मैं रिसेंटली डॉट एंड की के यूज कर रही हूँ। सो मैंने सोचा इसका सनस्क्रीन भी ट्राई किया जाए क्योंकि मैंने बहुत नाम सुना है इसका और बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटिशियन भी इसको यूज कर रहे हैं। सो मैंने सोचा चलो इंस्टाग्राम पे कुछ तड़कता भगता चल ही रहा है तो ट्राई करके देख ही लेते हैं। और गाइस मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है यार, मैंने ये हेयर स्टाइल काफी क्रिएट किया, वो आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा क्योंकि तो प्रॉपर हेयर स्टाइल में शॉर्ट्स में डाल दूंगी। सब लोग को देख लेना चाहिए यार कैसे ये हेयर स्टाइल मैंने क्यों सा हेयर स्टाइल रेडी किया है फॉर शॉर्ट टॉप, क्योंकि मैंने इस टाइम वियर पहन कर रखा है शॉर्ट टॉप एंड ब्लैक स्पेक भी के साथ और पीछे हमारी ब्लू चेन्स। सो इसको देखते हैं क्या है, ओपन करते हैं इसको और ये किस कैटेगरी में आ रहा है, कैसा इसका पॉइस्चर है देखते हैं। वाओ, कितना यार प्रोडक्ट इतने सेक्सी बनाते हैं ना कि अगर आपका ना भी मन हो ना यूज़ करने को आप तब भी यूज़ कर ही लोगे क्योंकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है, जैसे वीडियोस अट्रैक्टिव बनानी पड़ती है, अपने वर्क को अट्रैक्टिव रखना पड़ता है, उस तरीके से यार प्रोडक्ट्स भी आजकल अट्रैक्टिव बनाने पड़ते हैं वरना फिर परचेजिंग में बहुत दिक्कत होती है, लोग परचेज नहीं करते क्योंकि जो भी अट्रैक्टिव जो दिखता है वही दिखता है। सो ओके, ओपन करते हैं डॉट एंड की का स्किन केयर। बहुत प्यारी पैकेजिंग है गाइस, बहुत प्यारी पैकेजिंग दी है, कितना ऐसे ही कितना प्यारा दिखने में लग रहा है कि मैं लगाऊं ना इसको जस्ट देख ही लूं। क्या बोला तूने? ओके, देखते हैं इसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है इसको ओपन करके देखते हैं इसका टेक्सचर कैसा है क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी। मैंने इसको किसी की थी तो मेरे क्या ही बोलूं यार, चलो इसको देखते हैं ओपन करके कैसा है ये। नॉन स्टिक की तो नहीं है, वाइट पैचेस तो नहीं छोड़ रहा। वैसे तो मैंने सनस्क्रीन की वीडियो पहले डाल रखी है, बेस्ट सनस्क्रीन की वीडियो मैंने डाल रखी है, मैं आई बटन पे इसको डाल दूंगी, सो आप लोग क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाओगे। बहुत अच्छी अच्छी सनस्क्रीन की मैंने रिव्यू दिए थे क्योंकि समर है तो सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कहीं भी बाहर निकला करिए तो प्लीज़ सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ किया करिए। जो मैंने सारी सनस्क्रीन दिखाई हुई उनमें ना ही किसी में वाइट पैचेस आते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ऑयली या ब्लैकनेस आ जाती है या डार्कनेस आ जाती है फेस पे। सो मैं बहुत रेयर प्रोडक्ट्स का रिवील करती हूँ जो मैं यूज़ कर चुकी होती हूँ, जो मुझे लगता है कि सही है, मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स का रिवील करती हूँ। सो गाइस प्लीज़ आप ट्रस्ट करके उनको
परचेज कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको, तो आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो, सर्च कर सकते हो और परचेज कर सकते हो. सो इसका देखते हैं टेक्सचर कैसा है. बहुत बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जा रहा है गाइस, ये बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जा रहा है. आप लोगों के रिसेंट मैंने जस्ट आप लोगों के सामने अब्सॉर्ब किया है, बहुत बहुत जल्दी. बिल्कुल भी नहीं कि कितनी जल्दी अब्सॉर्ब हो जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि आपने सनस्क्रीन लगाया भी है. सो ये बहुत प्यारी सनस्क्रीन है, सॉरी. ओके, सो आप लोग इसको जाकर परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. सो आपको रिसर्च भी नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट मैंने जो जो एग्जैक्ट ऐसा ही आपको दिखेगा जाके, आप जब उसको सर्च करोगे, मतलब मेरे लिंक पे टैप करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर टैप करोगे डायरेक्ट नायका पे पहुंच जाओगे और उसको डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हो. बहुत प्यारा सनस्क्रीन है, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चल रहा है कि इस पर कुछ लगा हुआ था या फिर ऐसा कुछ नॉन स्टिक या व्हाइट पैचेस छोड़ रहा हो, बिल्कुल भी नहीं. बहुत प्यारा, बहुत लाइट वेटेड है और सनस्क्रीन हम लोग हमेशा ऐसा ही ढूंढते हैं जो बहुत लाइट वेटेड हो, क्योंकि समर्स में ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्वेटिंग होती है जो कि मेरी हो रही है लगातार. सो स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है बहुत जरूरी होता है सनस्क्रीन. और बहुत लाइट वेटेड हमारा मन करता है कि मतलब हर किसी का मन करता है बहुत लाइट वेटेड सनस्क्रीन हो, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में सनस्क्रीन ऐसी आ रही है ना कि यार वो बहुत ज्यादा व्हाइट पैचेस छोड़ देगी थोड़ी देर बाद या डार्कनेस आ देती है हमारे फेस पे. सो मैंने जो सनस्क्रीन का वीडियो बनाया वो सारी वीडियो सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ. ओके, सो देखते हैं इस प्रोडक्ट में नेक्स्ट क्या निकलता है. ओके, निकलो यार, अपने आप नहीं निकालो, मैं निकाल दूंगी. सो नेक्स्ट है हमारा सन प्रोटेक्शन TNW का. मैं TNW का ही टोनर यूज करती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है. TNW का टोनर बहुत लाइट वेटेड है, बहुत रिफ्रेशिंग है गाइस. आप 50 ये मैंने मंगाया था, ये एक्चुअल में बहुत प्यारा सरप्राइज आने वाला है. मैं एक ट्रिप पे जा रही हूँ, सो मैंने सोचा उसके पहले से सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है लड़कियों को, तो खासकर गर्ल्स ऑलमोस्ट अगर कहीं भी जाए ना थोड़ी दूर भी, तो उनकी प्रिपरेशन आई थिंक 2 to 3 days पहले चलने लगती है. सो मेरी प्रिपरेशन कैरी ऑन है, इस वजह से मैंने ये मंगाया था सन प्रोटेक्शन, क्योंकि इस टाइम ऐसी गर्मी हो रही है ना, आप कहीं भी जाओ आपको टैनिंग हो ही जाएगी, आप कहीं भी जाओ. सो इस वजह से मैंने ये स्प्रे टोनर मंगाया हुआ था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने इसको रिसर्च किया था काफ़ी, मैंने वीडियोज भी देखी थी इसकी कि ये बहुत प्यारा वर्क करता है, क्योंकि मुझे स्प्रे ज़्यादा पसंद है. क्योंकि ऑल ओवर जब मेकअप कर लो तो थोड़ी देर पहले तो यूज़ कर लो सनस्क्रीन, सनस्क्रीन आप मेकअप करने से पहले यूज़ कर लोगे, बट जब आपका मेकअप में आपका हो जाएगा उसके बाद 2 to 3 hours के बाद फिर से नीड होती है सनस्क्रीन की, तो आप डायरेक्ट अगर अप्लाई करोगे तो आपका मेकअप बहुत गंदा लगेगा या बहुत बेकार लगने लग जाएगा. सो उसके लिए हमारे लिए जरूरी होता है सनस्क्रीन का स्प्रे. तो आप इजिली आप अपने मेकअप पे भी इसको डाल सकते हो, मेकअप के ऊपर इसको डाल सकते हो, जिससे आपको जो है ना आपका मेकअप किक ही नहीं लगेगा, आपका मेकअप खराब नहीं होगा. सो इसलिए मैंने परचेज किया ये सनस्क्रीन स्प्रे, जो कि बॉडी स्प्रे भी आप बॉडी पे भी इसलिए स्प्रे कर सकते हो क्योंकि पूरी बॉडी पे सनस्क्रीन लगाना बहुत मुश्किल है. देखते हैं यूज करके ये क्या वर्क कर रहा है, कैसा वर्क कर रहा है, तो बाद में पता चलेगा जब मैं इसको यूज कर लूंगी, क्योंकि मैंने सनस्क्रीन स्प्रे यूज की है बट TNW का नहीं यूज किया है. TNW का मैंने टोनर यूज किया था, टोनर तो बहुत अच्छा निकला था, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार इसी का स्प्रे यूज करती हूँ. इसका प्राइस भी बहुत बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया था, इसीलिए मैंने इसको परचेज किया था. 580 इसका प्राइस है और नायका पे आप कभी जाओगे तो शायद कुछ सेल में कुछ सस्ता मिल जाए, क्योंकि मैंने नायका 60% सेल में मंगाया है इसको, जब नायका 60% लाइव हुआ था तो मैंने इसको परचेज किया था. सो ओके गाइस, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके डायरेक्ट देख सकते हो. और मैं और भी अच्छे अच्छे सनस्क्रीन स्प्रे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, सो आप लोग उनको भी जाके कंपेयर कर लेना, जो आपको अपने लिए सूटेबल लगे वो आप लोग परचेज कर सकते हो. वैसे तो मुझे ये बहुत बेस्ट लग रहा है अफोर्डेबल प्राइस में, 580 में बहुत बहुत अच्छा सनस्क्रीन स्प्रे, क्योंकि हमेशा इसको किसी भी स्प्रे को यूज करने से पहले शेक कर देना चाहिए. और बॉडी पे सनस्क्रीन लगाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, सो स्प्रे होता है ना तो आप इजीली इसको कुछ भी करके इजीली दूर से थोड़ा सा दूर से ही करना होता है. ओके यार ये ऊपर नहीं है अभी, क्योंकि नया ही है, जस्ट मैं देख लेती हूँ. ओके ऊपर हो गया है. वाओ व्हाट अ फ्रेग्रेंस यार, बहुत प्यारी प्रॉपर रोज की फ्रेग्रेंस है यार, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है, प्रॉपर रोज की फ्रेग्रेंस आ रही है. सो गाइस आप इसको जाके परचेज कर सकते हो, अगर आप भी किसी ट्रिप में जा रहे हो, क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है और आप इसको 2 to 3 hours में
मेकअप के ऊपर भी इजीली डाल सकते हो, तो ये मुझे ये चीज की सबसे अच्छी लगी है क्योंकि ये मेकअप के ऊपर भी इसको डाला जा सकता है। और क्योंकि जब आप प्रॉपर सन में रहते हो ना, तो आपको 2-3 आवर्स में नीड रहती है सनस्क्रीन की, तो आप ऊपर से सनस्क्रीन नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो फिर डार्कनेस ला देगा आपके फेस पे। कितना भी अच्छा सनस्क्रीन हो वो आपके फेस पे डार्कनेस ला देगा अगर आप मेकअप के ऊपर यूज करते हो। अगर आप स्प्रे यूज करते हो उसको पता नहीं चलता है। ओके, तो आप मेकअप के ऊपर अगर कुछ भी यूज करना चाह रहे हो सनस्क्रीन टाइप का, या 2-3 आवर्स के अप्रोक्सीमेट आप यूज करना चाह रहे हो, जैसे आप बाहर रह रहे हो, मतलब जब आप घूमने जाते हो कहीं ना, तो प्रॉपर पूरा डे तो बाहर ही निकल जाता है, तो 2-3 आवर्स में इसको आप डाल सकते हो और ये बहुत प्यारा वर्क करेगा। आई होप सो। मैं इसको यूज कर रही हूँ, थोड़े दिन बाद दूंगी जब मैं यूज करके आ जाऊंगी ट्रिप पे, यूज कर लूंगी अगर मुझे कुछ अच्छा रिफ्रेशिंग सा फील हुआ। क्योंकि मुझे वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके रेटिंग भी इसकी बहुत अच्छी थी और बहुत सारे वीडियोज भी मैंने देखे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि TNW के प्रोडक्ट्स बहुत हम्बल और बहुत अच्छे हैं। और आपको मैं दिखा रही हूँ, पास से इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत प्यारी है गाइस। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो मैंने ऑर्डर किया था। इस पे डायरेक्ट से निकालते हैं और बहुत ही एक फनी चीज है इसमें, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। जस्ट वेट, अरे आ जाओ यार। अच्छा, इसका पैकेजिंग, एक मिनट मैं इसको अच्छे से वो कर दूं। और कितना पॉकेट फ्रेंडली है ना आपकी, इसलिए आपकी उसमें बैग में आ जाएगा, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है गाइस। हम आपको कुछ फनी सा दिखाते हैं। जब मैंने मैक का प्रोडक्ट देखा और जब मुझे मंगाना था एक्चुअल में स्प्रे, मैं छोटे पैकेट ज्यादा मंगाती हूँ क्योंकि यार इजिली फिनिश हो जाए ना, फिर आप अच्छे से अच्छे अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप बड़ा पैक मंगा लोगे या मुझे जो अच्छा लग जाता है ना वो तो मैं बड़ा मंगा लेती हूँ, बट मुझे थोड़ा जिसको रिसर्च करनी होती है वो मैं छोटे पैक से मंगाती हूँ, जिससे मैं बाद में और भी चीजों को एक्सप्लोर कर पाऊंगी, और भी चीजें मंगा के उसको देख पाऊँ, कंपेयर कर पाऊंगी कौन सा बेटर है। क्योंकि वीडियोज में आप कुछ भी देख लो या कहीं भी कुछ भी रिसर्च कर लो, पढ़ लो, बट जब आप लगाते हो ना, जब आप यूज करते हो, असली मजा तभी आता है और असली चीज भी पता तभी चल पाती है कि सच में अच्छा है कि नहीं है। तो ओके गाइस, तो मैंने ये मंगाया हुआ है मैक का प्रेप एंड प्राइम वो मेकअप फिक्सर। मैंने बताया मैं जा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी छोटी 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 प्रिपरेशन कर रही हूँ अपनी। सो ये बहुत प्यारा पैकेजिंग है और गाइस मुझे सच में नहीं पता था कि इतना छोटा आएगा, क्योंकि इस पे था फ्री, इस पे लिखा था कि मतलब जब मैक मैंने ऑर्डर किया तो इसमें कुछ फ्री आ रहा था। मैं बहुत खुश हूँ यार, मैक फ्री दे रहा है, वो भी मैं इतना छोटा सा प्रोडक्ट ऑर्डर करने पे मैक कुछ फ्री दे रहा है, तो मैं बहुत खुश थी। बट कैसे हो सकता है कि मैक इतना बड़ा ब्रांड आपको कुछ फ्री दे दे। सो देखते हैं क्या दिया है उन्होंने फ्री, आई गेस आपको भी बहुत हंसी आने वाली है। सो ये बहुत छोटा सा मेकअप फिक्सर है जो कि मैं भी यूज़ क्या करूँ जब मैंने भी मेकअप नहीं किया है। सो मैं इसको ट्रिप पे यूज़ करूँगी, सो आपको इसका रिजल्ट अभी बताऊँगी। वैसे तो ये बहुत अच्छा है गाइस, क्योंकि मैं जब ट्रिप पे जाऊँगी ना तो मेकअप करूँगी, तो ऑब्वियसली यार मेकअप सब करते कहीं घूमने जाते हैं। सो मैं मेकअप कुछ भी बहुत तंग आज मेरी स्लिप हो रही है, सॉरी गाइस। तो मैं इसको जब मैं जाऊंगी ट्रिप पे तो मैं इसको यूज करूंगी और आपको जस्ट वहीं पर रिव्यू दूंगी, क्योंकि ब्लॉग्स तो आएंगे ही ना, तो आपको वहां पे रिव्यूज का मिल जाएगा। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट भी इसको यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। ब्रांड इतना बड़ा है मैक, उसका नाम ही बहुत है तो अच्छा ही होगा। बट कुछ फनी चीज बाकी है अभी गाइस, क्योंकि इन्होंने जो मुझे फ्री दिया है ना वो बहुत इतना बड़ा गिफ्ट यार, क्या ही हूँ मैं, जो सोचते हैं सस्पेंस करके दिखाएंगे वो मैं पहले ही दिखा देती हूँ। ओके गाइस, तो ये रहा वो फ्री प्रोडक्ट हमारा, क्या है ये हमारा, देखते हैं आपको बताते हैं क्या है। मेकअप स्टूडियो रेडियंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये, तो इन्होंने लिखा था आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम फ्री मिलेगी ये मेकअप फिक्स ऑर्डर करने पर। तो मैं बहुत खुश हो गई यार, मुझे क्या पता था ये पाउच मिलेगा जिसमें कुछ है ही नहीं गाइस, लिटरली इसमें कुछ नहीं है, बहुत मुझे लगता है मैं एक बार भी सही से अपने फेस पे यूज नहीं कर पाऊंगी। जिसका बहुत छोटू सा फेस होगा ना उसी पे आ पाएगा, भाई मेरा फेस बहुत बड़ा है सो ये नहीं आ सकता। क्यों दिया भाई, ना देते तुम क्यों, मतलब ऐसा ये लोग राइट कर देते हैं उस पे कि आप लोग बहुत खुश हो जाओगे कि यार फ्री मिल रहा है मैक का मॉइस्चराइजर, क्या मिला है यार, क्या ही बताऊं मैं। सो देखिए आप लोग क्या। ओके, तो इन लोगों ने जब मुझे इतना अच्छा बड़ा इतना बड़ा हैवी गिफ्ट दे ही दिया, तो मैं इसको यूज़ करके भी बताऊंगी कि कैसा है, जिससे आप लोग अगर परचेज करना चाहो तो आप लोग क्या इसको परचेज कर सकते हो। बट मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ खास होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सारे आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ ऐसे बने रहना अच्छे अच्छे वीडियोज देखने के लिए। और कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, और लाइक सब्सक्राइब करके जाना और शेयर करना अगर किसी को सनस्क्रीन या किसी भी चीज़ की नीड हो। अगर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं किस
और भी व्यक्ति कोई वीडियो अगर आपके मन का कुछ देखना हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, सो मैं उस चीज पे वीडियो ले आऊंगी। और ओके गाइस, मिलते हैं नई तड़कती भड़कती वीडियो के साथ। बाय 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 एवरीवन, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय गाइस, आई लव यू, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।